Assalamu alaikum and hello people, what's up, welcome back to Shokada Creation, मैं मोहम्मद शाबिस, मैं जनायत। ये स्क्रीन को देख रहे हैं बिकॉज इनको कुछ न्यूज चैनल का दिख रहा था। फर्स्ट थिंग, हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कमेंट करते नहीं और हम लोग जाते भी नहीं। हम लोग चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, हम लोग पॉलिटिक्स में घुसते नहीं बिकॉज हमारा चैनल इंटरटेनमेंट का चैनल है। बट रिसेंटली बहुत लोगों ने कहा है कि दिस इज़ अ वेरी यू नो अमेजिंग स्पीच बाई अली मोहम्मद साहब इन असेंबली, और बहुत ही आप लोग एंजॉय भी करोगे और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। सो डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हालत अभी क्या है। इमरान खान इज़ नो मोर द प्राइम मिनिस्टर नाउ, और बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। एंड उनकी ये स्पीच के बारे में इतने तारीफें चल रही हैं और हर रिएक्शन चैनल कर रहा है, और हमें बहुत सारे सजेशन आए स्पेशली फ्रॉम द यूजर्स जो कि हमें रेगुलर सजेस्ट करते हैं वीडियोस। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि हम लोग ये करने वाले हैं और करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। यू कैन फॉलो अस इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। स्टार्ट। मुबारक खुदा सैयदना मोहम्मद, आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे, 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुसलमान अ मुस्लिम is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह, और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लियामानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बहिस्सत पार्लियामानी उमूर के वजीर को मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द होर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला, आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां, मेरा यह नवा साल है इस पार्लियामान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक। हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे पर चलना है, बात करने का प्लीज, और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर मेंबर इमरान खान साहब का गुलाम क्या है,
इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं, बिलावल साहब इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। इसी ओआईसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाए, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे, मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं और हम दुश्मन नहीं है, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो, वकूल से उसना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे, इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने सम्राट के सामने खड़ा के ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबित वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा है, मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब एक वो भी वक्त था, दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान, और ये भी कहते हैं कि हां अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के नाम नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जात न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जात न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, दोबारा सुनाओ, चलते हैं दबे पांव के कोई जात न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा, और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, आपके पीछे खड़े हैं के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि मैं तो पाकिस्तान को मजबूत करते रहे, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वो कुल जाल हक व जाक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए, जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2-2.5 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तरीक इंसाफ को, और मेरे करोड़ों पाकिस्तान तरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूद हदूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अमीर हैदर होती साहब सच ए पावर मैन।
I don't know much about politics there, what's happening, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है. हमें ये फैसला करना है. Just a minute. कि हमें किस तरह का. But let me just इनके the एक लीडर को जो इस तरह के से बात करनी है, I think मुझे वो लीडर कम और एक अच्छे मंझे हुए पाकिस्तान के, जैसे कि सी हमारा ऐसा है कि हमने इतने एक्टर्स को देखा है पाकिस्तान के, जो भी देखता है हमको एक्टर दिखता है हमको वो एक मजा हुआ अच्छा सा मैच्योर एक्टर. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से बात कर रहे थे शायद लीडर को एक ऐसी ही बात करनी चाहिए. इतना पावर था अपनी आवाज़ में और इतने हक से बात कर रहे थे और दिल से निकल रही थी बातें, कि ऐसा लगा नहीं कि कुछ याद वाद करके या फिर मेमोराइज करके ऐसा कुछ बोल रहे हैं. इट सीम्ड रियली इन द फ्लो एंड ही एक्चुअली मेंट एवरी वर्ड व्हाट ही सेड, जैसा लगा. सी देर इज़ थिंक के जब इनको निकाला भी गया था तो यू नो दे खुशियाँ भी बन रही थी एक जगह यू नो नाराज़गी भी थी. एंड हमें तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो डेफिनेटली लोग तभी पसंद करते हैं जब उसे वो काम कर रहा है तो. एंड हमें पता नहीं कि इमरान खान साहब ने कितनी वहाँ पर यू नो कितना काम किया है, कितना लोगों को सपोर्ट किया है, कितना पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद किया. बिकॉज पॉलिटिक्स, जैसे कि हमने पहले कहा, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते. हम लोगों को इंडिया की पॉलिटिक्स ही कभी कभी समझ में नहीं आती भाई यहाँ पर ये क्यों हो रहा है. ओके लेकिन चाहने वाले बहुत थे बंदे के, ये फॉर श्योर. और आई थिंक जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत कर जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो यहाँ पर भी हमारे घरों में भी ये बात हुई थी कि आई थिंक पाकिस्तान की तरक्की होगी. बिकॉज एक पढ़ा लिखा, एक सही, एक काम दिमाग वाला आदमी सीट पर बैठा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ अलग करेगा. उसके बाद वो कितना कुछ उन्होंने किया या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन जिस बंदे का इतनी स्ट्रांग फॉलोइंग और जिस बंदे का, जैसे कि वो कह रहे थे मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, ऐसा नहीं लगता कि एक कोई ख़राब लीडर है. एक खराब लीडर किसी को इतना अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. एक खराब लीडर का सिपाही इतना यू नो कॉन्फिडेंट से आगे आके कुछ बोल नहीं सकता. देयर आर लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग एंड या पॉलिटिक्स में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट आई पर्सनली फेल्ट बैड जब इमरान खान साहब के बारे में मैंने सुना था. एंड देयर इज अनदर थिंग कि वहां पर आई थिंक पाकिस्तान में कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है. ओके देयर इज थिंग और उसके बारे में मुझे पता नहीं, आई जस्ट हर्ड अबाउट दिस, बट दिस स्पीच इज समथिंग रियली पावरफुल. वहाँ पर यू नो बहुत चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया. इमाम हसन हुसैन का भी यू नो एक एग्जाम्पल दिया गया, टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल दिया गया, बाबर का एग्जाम्पल दिया गया, हर थिंग. आई थिंक दैट इज अ पॉलिटिक्स. आई थिंक वहाँ पर एक असेंबली ऐसी है जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों की बात होती है. आई लव डेटा. मैं उनका पावर, उनका यू नो जो दिख रहा था, जो उनका बोलने का तरीका था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे. वेरी पावरफुल स्पीच. या आई थिंक सी आप लोग जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो या नहीं, और किस तरीके के लीडर वो थे, और क्या उनके बारे में आप लोग सोचते हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताए. बिकॉज आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत यू नो आपका सेंस भी, ह्यूमर भी अच्छा है, तो आप लोग बहुत सही तरीके की बातें एंटरटेनमेंट के बारे में बोलते हो, तो हमें थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ा सजेशन दे दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. बट आई थिंक दिस इज अ समथिंग जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए स्पीच. आई लव दिस कॉन्फिडेंट, आई लव दिस पावर. सो या दिस इज नॉट अ समथिंग एंटरटेनमेंट थिंग जो कि जिसके बारे में हम टेक्निकल चीज़ों के बारे में या फिर कुछ इसके बारे में बात करें, बट जो फील होना था वो हो गया. So yeah, this was our reaction. You want to say something? Nothing as such. But this yeah, powerful speech. I have seen many. Sushma Swaraj ki ek speech hui thi. Atal Bihari Vajpayee ki ek speech hui thi. Jahan tak mujhe yaad hai. Rahul Gandhi ki bhi ek bahut badhiya speech mujhe aaj tak yaad hai. Aur Manmohan Singh ne to ek bahut hi chhota sa ek share kami kiya tha. Share bola tha. और यहाँ पे क्या है, लालू प्रसाद यादव की जो स्पीचेस होते हैं वो बहुत ही फ़नी होते थे और लेकिन बहुत ही हार्डिंग सरकास्टिक होते थे उनके. तो हमने ऐसे दिख स्पीचेस देखे बड़े वैन, वेरी 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 मच इंस्पायर्ड. क्योंकि पार्लियामेंट में इट्स नॉट इजी टू डिलीवर अ स्पीच. वो इट्स नॉट अ रैली जहाँ पे सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है, एक क्राउड मिलकर आपको नेगेटिविटी फैलाता है, आपको डिमोटिवेट करता है. सेम थिंग वाज हैपनिंग देयर. हाँ, हर जगह होता है, पार्लियामेंट का तो वही होता है. वहाँ पे तो हर नेगेटिविटी बहुत गंदी होती है. वो हमको यहाँ पे देखने में कुछ नहीं लगता, लगता है कुछ नारे वारे बोल रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, दैट्स इट. बट वो नेगेटिविटी क्रिएट जो करते हैं वहाँ पे एक इंसान का जो कॉन्फिडेंस को हर्ट करते हैं, वो बहुत ही गंदी तरीके से करते हैं. क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसे वैसे टॉम डिक एंड हैरी नहीं बैठे. पार्लियामेंट वही आते हैं जो कि एक्सट्रीमली ज़हीन, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो,
फिलोसफिकली स्ट्रांग वैसे लोग बैठते हैं वहाँ पे, एंड दे नो किसको कहाँ से कैसे गिराना है, क्या बोल के उसको डिमोटिवेट करना है, ताकि वो अगर स्पीच बोल के लोगों को इमोशनल ना कर दें, क्योंकि वो जितना जितना ये फेमस होगा उतना उनकी इज्जत गिरेगी सारी ग्रुप की. बट अगेन ही कंटिन्यूड एंड ही एक्चुअली वेरी वेरी हम्बल ऑफ हिम. थिंग जब वो शेर बोल रहे थे तो वहाँ पर बोल रहे थे और एक बार और एक बार द वे ही टॉक और एक बार बोलूँ और एक बार जो कंटिन्यू किया वहाँ पर. ऐसे बहुत सारे हुए हैं, बहुत ज़्यादा. लालू प्रसाद तो इसमें एक्सपर्ट हुआ करते थे उसमें, जहाँ पे इतनी स्ट्रांग. ऐसे जब लालू प्रसाद यादव जब बात करते थे पार्लियामेंट में सारे हंसते थे, लाइक एवरीवन. वहाँ पे ऑपोजिशन वाले भी मजे लेते थे उनके, एंड व्हेन ही यूज्ड टू फिनिश दे यूज्ड टू क्लैप हिम. तो यहाँ पे भी ऐसा ही था यहाँ पे. बट अगेन जिस तरह से एक पार्लियामेंट की स्पीच होती है कैसी होनी चाहिए उसे, तो दो हाथ बड़ी स्पीच थी. दैट्स व्हाट आई कैन से. Yeah, this was our reaction to Ali Mohammed Khan sahab's speech. And yeah, jaane se pehle channel ko subscribe kijiye, notification bell ring kijiye, and let us know in our comment box ki hum next kis par react kare. Do follow us on Instagram, iske liye details humne diye. And as hum log plan bhi kar rahe hain kuch entertainment ke alawa kuch alag content, jaise ki vlog wagera react kare, so please do suggest in the comment box. This is Mohammed Shahbaz. Namaste. Signing off.